सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरा 10th का रिजल्ट आ चुका है। अभी मैं 11th साइंस में हूँ, मैथ्स लिया है मैंने और मेरा 10th का रिजल्ट आ चुका है। तो मम्मी से पूछते हैं कैसे लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसको देख के तो इसका चेहरा थोड़ा मुरझा गया था। थोड़ा चेहरा मुरझा गया था, मुरझा गया था, तो भी अच्छा मार्क्स लाया है। और बता देता हूँ, मेरे परसेंटेज आया अभी 85% 10th स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड में। और मैथ सारे सब्जेक्ट बता दो, मेरे हिंदी इंग्लिश में 70%, हिंदी में 86, मैथ्स में 98% और साइंस में 89 और एसएस में 80% आए। टोटल मिला के 85% हो रहे हैं। मैथ्स में स्ट्रांग है इसलिए, बाकी मैथ्स में 98 आए, मैथ्स में स्ट्रांग है इसलिए मैथ्स ही लिया, बाकी 11th साइंस में भी, और इसीलिए आगे और करते रहेंगे। और सोचा 11th साइंस में इससे और अच्छा 90 प्लस लेके आएंगे, इस पर भी थोड़ी उम्मीद थी लेकिन थोड़ा कट गए, थोड़ा नर्वस हुआ है। जब स्कूल में गया था, टीचर ने बुलाया था तो बहुत अच्छा एकदम लगा था उसको, मेरा 90 आ गया होगा। पर जब स्कूल से आया तो थोड़ा मुरझा गया था चेहरे, थोड़ा नर्वस हो गया था। कोई बात नहीं, अच्छा ही मार्क्स बोलते है, पर इसको लग रहा था मैं 90 लेके आऊंगा। इतना नाना भी बहुत, पर छोटे को 95 आया ना, तो ये थोड़ा 94.28 है और मेरा 85 है, तो थोड़ा काफी डिफरेंस है। पर ये तो थोड़ा ताना मार रहा था ये इसको। ये 7th में और मैं 10th में, सो मिठाई उठाई लेके आया मम्मी के लिए। हाँ मैं खिलाता ना, पूरा खा लो पापा के लिए। गाइस अभी 85% आए हैं, मैं आपको थोड़ा रिजल्ट भी दिखा देंगे। 85% आए, अच्छा ही है, थोड़ा और ज्यादा उम्मीद थी मुझे, लेकिन इसमें भी अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा नंबर है। वो एग्जाम के टाइम में भी थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, वो टाइम में भी उसने हेल्प किया था गाड़ी साफ करने में, गाड़ी साफ करके भी एग्जाम देने गया था। इतना मेहनत करके इतना परसेंट लाना बहुत है, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरी गीतू भी बहुत खुश है। इतनी परस हो गया, वही हमारे लिए बहुत है। और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, और मैथ्स में मैं टॉप किया है पूरे क्लास में 90 के साथ, तो वो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और मुझे एक्सपेक्टेशन मैथ्स में भी 100 की थी। लेकिन 5-6 बार मेरा पेपर चेक होता है, तो 5-6 बार में 2 मिस्टेक काट ली, 98 में आ गए। बहुत ज़्यादा अच्छा। ये ज्यादा बहुत खुश है क्योंकि इसका 90 मुझे बोल रहा था कि उसके है ना मेरे ज्यादा आ जाएंगे, अरे अभी मेरे उससे 10% ज्यादा है। ये बहुत खुश था, ये हंस रहा था, उसका परसेंट कम आया बोल के बोल रहा था। इसका भी टाइम आएगा, हम लोग ने बोला तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा, इसका भी टाइम आ जाएगा 3 साल के बाद। अभी उसने 7 पास किया है, उसमें थोड़ा इजी होता है परसेंट, अब 10 बोर्ड में थोड़ा CBSE बोर्ड में थोड़ा मुश्किल होता है। देखते हैं बाद में 3 साल के बाद आ जाएगा। मुझे लगा था टीचर लोग ने बुलाया तो मार्क्स पे वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि आधा फीस बाकी था, इसलिए बुलाया गया, ऐसा मेरे मन में ऐसा लगा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, पर हम लोग को बहुत हेल्प किया है, बच्चे लोग को ट्यूशन फ्री करा दिया है। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हमारे मंजीत सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उन्हें भी थैंक यू। उन्होंने हमारे ट्यूशन फ्री करवाया, हमें स्कूल में भी डिस्काउंट करवाया, और उनके यहाँ ट्यूशन में पढ़ते हैं, मेरा भाई वहीं पर पढ़ता है, यहाँ पे मोटा वराचा स्टडी पॉइंट है, तो आप भी वहाँ जा सकते हो। अच्छा, और आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। कि काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, बहुत प्यारे हैं, देख के मैं काफ़ी खुशी होती है मम्मी को। कमेंट आते सब लोग बोलते रिप्लाई करो, लेकिन बहुत कमेंट होते हैं कितने लाइक तो करते हैं, सबको लाइक भी करते हैं, और लोग कहते हैं रिप्लाई क्यों नहीं करते, तो फिर
कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और काफी वर्क होता है बाहर भी, तो उसका टाइम नहीं मिलता रिप्लाई करने का, लेकिन ट्राई करेंगे सबको रिप्लाई भी करें, लाइक भी करें, लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो कैसे कर सकते हैं। नहीं तो सोचा भी नहीं था कि मैं लड़के लोग को 11-12 दिन तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाऊंगी और एक साल मेरे बच्चे लोग का पूरा ऐसा हो गया था कि गैप हो गया था डोनेशन की वजह से। मैं कई भी स्कूल वालों को इतना बोलूंगी कि कोई भी हमारे जैसे किसी के घर में रह के बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके गाड़ी साफ करके कोई अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो प्लीज उनको डोनेशन मत बोलना कि उनका बच्चे को ले लेना, क्योंकि उनका आपने खुद नहीं किया, हम लोग खुद नहीं पढ़े ना, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे लोग पढ़े, अच्छा कुछ करे, पढ़ लिख के अच्छा कुछ करे, अच्छा नौकरी करे, अच्छा जॉब करे, पैसा कमाए, ये सबका माँ बाप का यही रहता है। मैं स्कूल वाला को यही बोलती हूँ, मेरे लड़के का स्कूल वाला का तो स्कूल वाले तो बहुत अच्छा किया था हम लोग को, पर हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं था, प्रूफ के लिए बोला था एक महीने के बाद हम लोग देंगे, बोला तो हाँ बोल दिया था प्रूफ में, एक महीने के बाद तो कोई बात नहीं बोला था कि बच्चे लोग अच्छे थे पढ़ाई में, बच्चे लोग का एग्जाम दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 8,000 पगार में मैं क्या बच्चे पढ़ाऊंगी, मैं इतना सोचती खाली मेरे बच्चे का एडमिशन मिला, मैं रात दिन मेहनत करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी जरूर, तो मुझे लगा था मैं 7-8 क्लास तक तो पढ़ा लूंगी, अब लग रहा है मैं 12वीं पूरा हो जाएगा मेरे लड़के लोग का, ऐसा लग रहा है। तो बड़े हो गए बच्चे लोग पहले पढ़ते, वो टाइम में तो छोटे थे दोनों, और मेरा भी सैलरी कम था, उनका भी कम था, वो टाइम में थोड़ा तकलीफ ज्यादा था। दो हेल्प करते हैं, दो तीन स्कूल में गए थे तो डोनेशन की वजह से बच्चों लोग का एडमिशन नहीं मिला था, बहुत दुख लग रहा था, मन लग रहा था तो अंदर जाके जोर से रो जाओ ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाई में थे मेरे दोनों बच्चे लोग, तो पैसा की वजह से स्कूल नहीं मिला था। अब जब हम लोग एक साल के बाद इधर बरचा में आए, बरचा में कई दो तीन स्कूल गए थे पर प्रूफ मांगा था, पर डोनेशन किसी ने नहीं बोला, पर हम लोग पहले सिटी में थे तो डोनेशन हर जगह डोनेशन बोल रहे थे। मैं बोलती हूँ कि कोई भी हम जैसे लोग पढ़ाना चाहते हैं बड़े स्कूल में तो प्लीज उनसे डोनेशन मत लेना, क्योंकि डोनेशन दे सकते हैं कि अमीर लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो डोनेशन देते हैं तो आप ले लेना, पर हमारे साथ मत बोलना, हमारे जैसे लोग के साथ। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इस वीडियो को ये बंद करते हैं, और कुछ पूछना है तो, और आपको कुछ पूछना तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, इस वीडियो को ये बंद करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऐसे सपोर्ट करते रहना, आपके सपोर्ट की वजह से थोड़ा एक लगा कि कुछ बंद कर लेंगे, तो सपोर्ट करते रहना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ और पूछना है तो कमेंट करें, और अपने लोगों के साथ शेयर करें, और कुछ नहीं हो तो चैनल में सब्सक्राइब करें। बोलिए आप। मैं क्या बोलूं। चलो बाय 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 बाय।